गाइज, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। देखिए दोपहर का टाइम हो चुका है, हो रहे हैं 1:15 और मैं 1:15 दोपहर से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो खाना मेरा बन चुका है, मोस्टली सुबह ही सब्जी बना दी थी जब हस्बैंड ऑफिस गए थे तो उनको खाना दिया था, तभी मैंने सब्जी बना दी थी घिया चने की दाल। और सिर्फ घर में अब मैं, मम्मी और पापा हैं और रोटी बनानी रह रही है। और अब मैं 1:30-2 बजे करीब रोटी बना के मम्मी और पापा को खिलाऊंगी, खुद भी खाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पूरा दिन दिखाऊंगी क्या क्या करूंगी। दोपहर हो चुकी है तो बने रहिए मेरी इस वीडियो में कंटिन्यू। और प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। प्लीज़ आप ही लोगों से मुझे हिम्मत मिलेगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और मेरी वीडियो को कंटिन्यू पूरी देखो, स्किप मत करना प्लीज़। चलो ओके, बने रहो मेरी वीडियो में, दिखाती हूँ आगे मैं क्या क्या करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं सो गई थी, थोड़ी देर रेस्ट कर लिया था मैंने, तो अब उठ गई हूँ। 4:30 हो चुके हैं। चलिए लड्डू गोपाल जी को भोग भोग लगाते हैं, उसके बाद कंटिन्यू देखते हैं क्या करते हैं। और देखिए मैं कुछ खाने के लिए बनाती हूँ अभी, तो चलिए चाय वगैरह पी लेते हैं। मम्मी पापा को भी चाय बना के देते हैं, मम्मी भी उस कमरे में एंड ड्राइंग रूम में। तो चलिए मैं उठ गई थी, खड़े हो जाते हैं आप। फ्रेंड्स देखिए, मैं जो पिछला व्लॉग किसी ने अगर देखा हुआ है, नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियो को। तो मैं ये बर्गर के पैकेट लेकर आई थी और मैं ये बर्गर बनाने जा रही हूँ अभी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे कैसे बनाती हूँ बर्गर को। मैंने इनके लिए आलू बॉयल किए हैं टिक्की बनाने के लिए, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने 3 आलू बॉयल किए थे और मुझे 3 ही टिक्की बनानी है, और आलू मैंने फालतू उबाल लिए थे, आगे काम आ जाएंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा दूँ, कंटिन्यू आप बने रहना। मैं आलू छील लेती हूँ पहले। देखिए फ्रेंड्स, मेरे आलू छिल चुके हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं बर्गर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ ले रही हूँ, कितना सामान ले रही हूँ, क्या ले रही हूँ और कैसे ले रही हूँ और कैसे बना रही हूँ। तो चलिए मेरे ब्लॉग में जुड़े रहिए और देखना जरूर कि मैंने इसको कैसे बनाया, और वैसे ही आप लोग अपने अपने घर में बनाना और खाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स देखिए, मैंने ये सामान लिया है बर्गर बनाने के लिए। आलू तो आप लोगों के सामने छील ही लिए थे, ये टमाटो सॉस है, ये मेयोनीज है, ये बटर है, और ये एक ऑनियन है, और एक टमाटो है, और ये मैंने कुछ आलू में मिलाने के लिए मसाला बनाया है। तो ये इसमें धनिया है, लहसुन है, काली मिर्च का पाउडर है, काला नमक है, और जीरा पाउडर है, लाल मिर्च है, गर्म मसाला है और लेमन है, ठीक है। और ये है पोहा, ये हमारे टिक्की को क्रिस्पी करेगा। तो चलिए कंटिन्यू बने रहिए, मैं कैसे कैसे बना रही हूँ आप देखते रहिए। देखिए फ्रेंड, जो मैंने धनिया वगैरह लिया था उसको मैंने पीस लिया और साथ में मैंने मटर भी लिया। तो चलिए अब टिक्की बनाते हैं, तो देखते रहिए आप, मैं टिक्की बना रही हूँ अब। मेरा टिक्की का बैटर बन चुका है, तो चलिए इसको हम 15 मिनट के लिए फ्रीजर में रख देते हैं ताकि अच्छा क्रिस्पी हो जाए। तो चलिए 15 मिनट इसको फ्रीजर में रख देते हैं, उसके बाद मैं टिक्की बनाऊंगी। इतना हम और तैयारी कर लेते हैं।
चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसको बनाना सब कुछ हो चुका है, तो चलिए। तो पहले हमने जो ये सॉस बनाई थी ये लगाएंगे इस पे। लगा लिया। अब पहले हम रखेंगे इसके बीच में टिक्की। देखिए आगे हमारी टिक्की। उसके बाद हम रखेंगे इसमें टमाटो, फिर हम रखेंगे इसमें ऑनियन। ठीक है, अब हमने जो उसका पीस कट किया था ऊपर का, अब हम इसमें भी थोड़ी सी सॉस लगा देंगे। देखिए आप देख चुके हैं कि कितना क्रिस्पी यम्मी सा बर्गर बना है, बर्गर बनके तैयार हो चुका है। इसको खाने में कितना मज़ा आएगा देखिए, तो कितना सुंदर और टेस्टी लग रहा है, बिल्कुल बाहर जैसा। तो चलिए मम्मा को देकर आते हैं, मम्मी खाएगी इस बर्गर को। गाइस मैं अपनी जेठानी के साथ पाक घूमने जा रही हूँ, तो चलिए। मैंने खाना वाना सब बना लिया, मसूर की दाल और आटा भी गूंध गया। हस्बैंड ऑफिस से आ गए, उनको कॉफ़ी वगैरह बना के दे आई हूँ। अब मैं जा रही हूँ पार्क घूमने, तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ, बने रहिए कंटिन्यू। हेलो गाइस, मैं पार्क से आ चुकी हूँ घूम के, और मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ अब। तो चलिए खाना वाना तो मैं बना कर गई थी, अब खाना वाना खा लेते हैं फिर सोएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे। तो प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। बाय, टेक केयर, सभी अपना ध्यान रखना।